वेलकम वेलकम आतंकवाद की दुनिया के दोस्तों, वेलकम। हर साल की तरह इस बार भी हम सब दुनिया के अलग अलग देशों से आकर यहाँ जमा हुए हैं। हम सब शैतान के एजेंट हैं और इस धरती से इंसानियत को मिटाकर हैवानियत का राज लाने के लिए हम सब ने जन्म लिया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि अभी हम आपको उन तीन महाहस्तियों से मिलवाने जा रहे हैं जिनके पिछले साल के तबाही और बर्बादी के कामों को हमारी एसोसिएशन ने बेस्ट ठहराया है और उन्हें इस साल का गोल्ड मेडल दिया है। नाउ गेट रेडी टू मीट द गोल्ड मेडल विनर्स, मिस्टर एफ के और फॉक्स। दुनिया वाले मुझे फॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि मेरी खोपड़ी में लोमड़ी की तरह चालाक दिमाग है। इस दिमाग से मैं अपने देश के लोगों को लड़वाता हूं और खून की नदियां बहाता हूं, मिस्टर जेके उर्फ जेकॉल। लेकिन मैं वो जेकॉल नहीं जो जमीन से मुर्दे उखाड़ कर खाता है। मैं वो जेकॉल हूं जो जिंदा लोगों को जमीन में गाड़ देता है। डेविल नाम है मेरा। डेविल का मतलब शैतान होता है। दंगा फसाद कराना मेरा काम है। इस साल शैतानियत का वो खेल खेला है मैंने कि इंसान तो क्या, भगवान भी कांप उठा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसे क्यों मारा है। डेविल के कान वायरलेस की तरह से सुनते हैं और आंख एक्सरे की तरह से देखती है। दरअसल ये हमारा आदमी नहीं था, ये इंटरपोल का एजेंट है जो हमारे बीच आकर मिल गया है। ये इसका आई कार्ड। वाह वाह, यू रियली डिजर्व अ गोल्ड मेडल, प्लीज। ये तो एक छोटा सा नमूना था। आप इसी तरह से हम लोगों को दौलत और हथियार देते रहिए, हम इस जगह के छोटे छोटे टुकड़े करके आपको दे देंगे। डोंट वरी, बंदोबस्त हमने कर दिया है। जेंटलमैन, ये एक नई डिस्कवरी है। देखने में बच्चों का खिलौना लेकिन काम में मौत का सलसला। We'll be right back.
15 अगस्त का दिन हमारे देश की आजादी का दिन ही नहीं बल्कि उन महान आत्माओं को याद करने का दिन भी है जिन्होंने इसको पाने के लिए न जाने कितने खून बहाए, कितने त्याग किए, कितने बलिदान भी किए और हमें आजादी भी मिली। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मौलाना आजाद और कितने नाम है जिनके आगे हमारा सर झुक जाता है। बच्चों आओ, ये तिरंगा लहराने से पहले हम कसम खाएं कि इसकी आन के लिए हम किसी भी बलिदान से पीछे नहीं हटेंगे। मास्टर, तुझसे कहा था ना कि जगह हमारे कब्जे में आ गई है और यहाँ 15 अगस्त को हम अपने दारू के अड्डे का मुहूर्त करेंगे। तुम फिर भी यहाँ आजादी का दिन मनाने चले आए? आजाद हिंदुस्तान में आजादी के लिए दिन मनाना हर हिंदुस्तानी का हक है, फर्ज है। तुम कौन होते हो इसे रोकने वाले? यह हमारा स्कूल है। स्कूल? ये स्कूल था, है नहीं, इसलिए आज से यहां कोई भी झंडा लहराया नहीं जाएगा, समझे? अब न तेरा ये स्कूल रहेगा और न तेरा ये 3 रंग के 2 गज का टुकड़ा। इस 3 रंग के 2 गज के टुकड़े को तिरंगा कहते हैं और ये टुकड़ा 2 गज का नहीं है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का है। इसका रंग भी बाजार से खरीद कर लाया हुआ नहीं है, ये रंग है हजारों शहीदों की कुर्बानियों का, ये रंग है करोड़ों भारतवासियों के सपनों का। अरे इस झंडे को तो इस धरती पर लहराने से अंग्रेज भी नहीं रोक सके। और फिर तुम तो मामूली किराए के टट्टू नजर आते हो। ये स्कूल भी यही रहेगा और ये झंडा भी यही लहराएगा। चलो उड़ो, पड़ो भाई, उड़ो, हट। कैसे लहराएगा?
दिस इज कॉल्ड नेशनल कैरेक्टर, इसे कहते हैं राष्ट्रीय भावना। आई एम प्राउड ऑफ यू रवि, प्राउड ऑफ यू यंग मैन। थैंक यू सर। तुम्हारी वजह से गुंडों के एक हथियारों का बहुत बड़ा स्टॉक हमारे हाथ लगा है। सर आप थोड़ा सा इंतजार और कीजिए, अगर मैंने शहर के सारे गुंडे पकड़कर आपके कदमों में न डाल दिए तो रवि मेरा नाम नहीं। गुड, एक मिनट। बोलो डैडी, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपके पुलिस फोर्स में ऐसा एक भी काबिल अफसर या सिपाही नहीं है जो एक लड़की के पर्स का पता चला सके जो उसकी गाड़ी से चोरी कर लिया गया? अरे भाई वो मिल गया है मेरी आंखों के सामने। ओह एट लास्ट, आप लोगों ने चोर पकड़ ही लिया। हाँ भाई हाँ, तुम यहाँ आकर उसे खुद ही देख लो। ओके देन आई एम कमिंग। यू कैन कम, आ जाओ। सर आपको कमिश्नर साहब ने बुलाया है। ओ बैठो रवि, मैं अभी आया। सिट डाउन। हमने भी कोई कम काम नहीं किया है। बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। तो आप हैं वो? जी हाँ, मैं हूँ। शक्ल से तो पढ़े लिखे लगते हो। जी हाँ, मैंने SSC की है। उसके बाद ये काम शुरू कर दिया? हाँ, मैंने सोचा घर बैठने से तो अच्छा है समाज सेवा की जाए। समाज सेवा? जी हाँ। बड़े हिम्मत वाले हो। थैंक यू। तुम्हारा तो कुछ सॉलिड ही मैंने नहीं करवाया तो मेरा नाम अंजू नहीं। थैंक यू जी, आपका नाम अंजू है, बड़ा प्यारा नाम। मेरा नाम रवि है, कॉमन नेम। आप एक काम क्यों नहीं करती, आप मेरे ग्रुप में शामिल हो जाइए, दोनों मिलकर समाज सेवा करेंगे। ऐसे ऊंचे ऊंचे काम करेंगे कि पुलिस भी दंग रह जाएगी। नाम का नाम, थ्रिल का थ्रिल। मतलब अब बैंक रॉबरी, खून खराबा और लूट मार का इरादा है? बिल्कुल, मैंने तो सोच लिया है मैं छोटा मोटा काम करूंगा नहीं, मैं तो बड़े मौके की तलाश में हूँ। नहीं आपका क्या ख्याल है? अरे लानत है तुम्हारे जैसे लोगों पर, पढ़े लिखे हट्टे कट्टे होकर भी ऐसे घटिया काम करते हो और उसकी कोई शर्म नहीं। समझ गया। शामिल होने के लिए कहा तो समाज सेवा घटिया काम लगने लगा। अरे मुझे तो पहले ही शक था कि आखिर तुम जैसी मॉडर्न बटरफ्लाई समाज सेवा क्या समझे। यू रास्कल, तुम मुझे नहीं जानते। यू आर नॉटी बेबी, तुम भी मुझे नहीं जानते। शट अप यू ब्लडी फूल। शट अप यू लवली लिटिल म्याम म्याम म्याम। शट अप। शट अप। आई सेड शट अप। शट अप। यू शट अप। शट अप। शट अप। शट अप। शट अप। शट अप। यू शट अप ब्लडी फूल। शट अप। आई सेड शट अप। आई सेड शट अप। शट अप। शट अप। एंड आई से बोथ ऑफ यू शट अप। शट अप। शट अप। आर यू आल्सो शट अप म्याम। डैडी, इस मामूली पर्स चोर की इतनी हिम्मत? अरे पर्स चोर होगा तेरा डैडी। डैडी सॉरी सर, मुझे मालूम नहीं था। क्यों उड़ गया ना फ्यूज पर्स चोर? सर बेटे ये पर्स चोर नहीं दिल चोर है, इसने इस शहर की तमाम जनता का दिल चुरा लिया है। ये वही रवि है जिसके अखबारों में आजकल चर्चे चल रहे हैं। ओह नो। ओह यस। रवि सर, इस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट की तमाम उम्मीदें तुमसे वाबस्ता है, सिर्फ तुम उन गुंडों को पहचानते हो, इसलिए उन्हें पकड़ने में तुम डिपार्टमेंट की मदद करोगे।
हम तो ही यारो दीवाने प्यार के, झूम झूम गाए सरहाने प्यार के, हम तो ही यारो दीवाने प्यार के, प्यार से दिलों में मुकाम करते हैं, हम सबको सलाम करते हैं, दुनिया को राम राम करते हैं, हम सबको सलाम करते हैं, दुनिया को राम राम करते हैं। जिंदगी लेके हम जमाने को देते हैं खुशी, और के लिए हम लुटा दे जिंदगी, लेके हम जमाने को देते हैं खुशी, और के लिए हम लुटा दे जिंदगी, सबका भला सुबह शाम करते हैं, हम सबको सलाम करते हैं, दुनिया को राम राम करते हैं, हम सबको सलाम करते हैं, दुनिया को राम राम करते हैं। मैदान में तो बच गया था, मौत के मैदान में कैसे बचेगा? आदमी है तू, किसके लिए काम करता? बोल बोल। चलो पोटेशियम साइनाइड, साइंस ने भी इंसान को मारने का कितना आसान तरीका बना दिया है, बस एक गोली
एक गोली जबान पे रखो, ना कोई दर्द ना कोई तड़प, और इंसान खत्म, आउट। और हमारे ये सुरमा जो साले रवि के दोस्तों के हाथों मार तो खाते रहे, लेकिन जरा सा ये जहर नहीं खा सके। नहीं नहीं जैकॉल, ये बात नहीं है। ये लोग ये जहर खा लेते, मगर उससे पहले ही इन्हें भागने का मौका मिल गया। क्यों? मैंने ठीक कहा ना गिल साहब? गिल साहब, हम आपके लिए, आपके लिए हम इस जहर से तो क्या, हम अपने हाथों से अपना गला घोटकर अपनी जान दे सकते हैं। हम दूसरों की तरह मौत से नहीं डरते। ओह रियली? इसे कहते हैं वफादारी। गुड गुड। मगर वफादारी की सिर्फ बातें नहीं की जाती, वफादारी तो निभाई जाती है। निभाओ निभाओ निभाओ। कम ऑन कम ऑन। माफ कर दो साहब। हमने अपने आदमियों को मार के सारे सबूत खत्म कर दिए। अरे वो तो ठीक है डेविल, लेकिन रवि का जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। यू आर राइट जैकल, लेकिन वो हमारे वफादार नौकर राणा का इकलौता बेटा है। फिलहाल हम उस पर सिर्फ नजर रखेंगे, लेकिन अगर उससे कोई खतरा महसूस हुआ तो कीड़े की तरह मसल डालेंगे उसको। चाची, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन रवि के पिताजी रेगिस्तान में रहकर भी तुम लोगों को 5 तारीख को मनी ऑर्डर करना नहीं भूलते। लेकिन चाची, वो बुढ़ापे में परदेश में इतनी मेहनत करते हैं, और रवि यहाँ आलतू फालतू मारपीट के धंधों में अपना वक्त बर्बाद करता है, आप उसे समझाती क्यों नहीं? देख रहे हैं आप, आपका बेटा दिन रात आवारा करती करता फिर रहा है, कभी इससे झगड़ा कभी उससे लड़ाई। आप अभी नौकरी छोड़कर घर वापस चले आओ, हमारी किस्मत में जो होगा हमें यही मिलेगा। आप यहाँ होंगे तो कम से कम आपका डर रवि को बिगड़ने तो नहीं देगा। चल 400 रुपया। अरे 400 रुपये में चपरासी नहीं मिलता, इन लोग को सेल्समैन चाहिए। बताओ। हाँ चाहिए असिस्टेंट मैनेजर, तनख्वाह 1000 रुपया। हाँ ये चलेगा 1000 रुपये वाला। ड्यूटी सवेरे 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। क्या अब सवेरे 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक अगर ड्यूटी करेंगे तो माँ की देखभाल कौन करेगा? नौकरी कैंसिल। क्यों माँ? बस बस रहने दे इस नाटकबाजी को, नौकरी के मामले में माँ का ख्याल है। और वैसे वैसे कौन? सुधीर। हाय चाची, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं आया हूँ? रवि के हर दोस्त के कदमों की आहट पहचानती हूँ मैं। गलत, बिल्कुल गलत। सुधीर भैया की आवाज पहचान ली, लेकिन चाची तुमने मेरी आवाज नहीं पहचानी। ओ तो तू भी साथ आई है? और नहीं तो क्या, सुधीर भैया अपने दोस्त को शादी का निमंत्रण देने आए हैं, और मैं अपनी प्यारी सी चाची को। क्या तू भी किसी को बर्बाद कर रही है? अब मेरा मतलब तेरी भी शादी है? हाँ देखो ना चाची, रवि मुझे चिढ़ा रहा है। अरे इसके सिवा ये और कर भी क्या सकता है? नवाब साहब नीचे आइए नीचे, परसों मेरी शादी है और सारे काम तुझे ही संभालने हैं। अरे तो परसों ना, अरे परसों तक तो मैं हिंदुस्तान के सारे कुवारों की शादी करवा सकता हूँ, मगर फिलहाल इस होनहार बेरोजगार को नौकरी तलाश कर रहे दो। अजीब माँ के हुकुम का सवाल टाल थोड़ी सकता हूँ, तुम लोग की तरह थोड़ी हूँ। मेरी मानो तो रवि, तुम पहले सुधीर भैया की तरह भाभी ढूंढो, और फिर ससुर तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढ देगा। वो कोई पागल ही ससुर होगा जो इसे बेटी और नौकरी दोनों दे देगा। इसे तो मिलेगी लंगड़ी लूली। मिल गई। क्या? क्या? छोकरी, बगैर नौकरी के छोकरी मिल गई, वो भी लूली लंगड़ी नहीं, मिस इंडिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपके सामने आ रही हैं फूलों सी नाजुक हिरनी सी चंचल इंद्रधनुषी रंगों को लिए बंबई की मिस अंजू। अब आ रही है आपके सामने बैंगलोर की खूबसूरत हसीना मिस संध्या। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपके सामने
वो लकी विनर आ रही हैं जिनको हमारे जजेस ने मिस इंडिया चुना है, मिस अंजू। लंदन से पेरिस, पेरिस से रोम, रोम से इजिप्ट, इजिप्ट से इटली, सिसिली, हॉलैंड, पोलैंड, शॉलैंड, गोलैंड। अरे सब जहां की लड़कियां देखी, दिल को कोई नहीं भाई। फिर तुम्हें कौन से जहां की लड़की भाई है मिस्टर इंडिया? बताओ बताओ। काली आंखें, माथे पे बिंदिया, लंबे लंबे बाल, ओ मिस इंडिया। काली आंखें, माथे पे बिंदिया, लंबे लंबे बाल, ओ मिस इंडिया। मिस्टर इंडिया का दिल तुम पे आ गया, हाय हाय। काली आंखें, माथे पे बिंदिया, लंबे लंबे बाल, ओ मिस इंडिया। मिस्टर इंडिया का दिल तुम पे आ गया। काली आंखें, माथे पे बिंदिया, लंबे लंबे बाल, ओ मिस इंडिया। छोकरी से तू कम नहीं, पेरिस के कपड़ों में कुछ दम नहीं। हाय हाय, लंदन की छोकरी से तू कम नहीं, पेरिस के कपड़ों में कुछ दम नहीं। घाघरा चोली साड़ी हर कपड़े पे है भारी, घाघरा चोली साड़ी हर कपड़े पे है भारी। तेरी प्यारी सूरत पे ये दिल आ गया, हाय हाय हाय। तू मेरी चुराई आँखों की निंदिया, शर्मीली शर्मीली, हाय मिस इंडिया। तूने चुराई आँखों की निंदिया, शर्मीली शर्मीली, हाय मिस इंडिया। मिस्टर इंडिया का दिल तुम पे आ गया। काली आँखें, माथे पे बिंदिया, लंबे लंबे बाल, ओ मिस इंडिया। आंखें बिलोरी बदन, कितना हसी तेरा शर्मीलापन।
नीलम सी आंखें बिलोरी बदन, कितना हंसी तेरा शर्मीलापन, हर अदा तेरी मस्तानी गोरी में भरे पानी, हर अदा तेरी मस्तानी गोरी में भरे पानी, तेरी आंखों का जादू सब पे छा गया, मुझको बना ले अपना मिस्टर, बन जाएंगे हम तुम मिस्टर मिसेस इंडिया, मुझको बना ले अपना मिस्टर, बन जाएंगे हम तुम मिस्टर मिसेस इंडिया, मिस्टर इंडिया का दिल तुम पे आ गया, काली आंखें माथे पे बिंदिया, लंबे लंबे बाल ओ मिस इंडिया, मिस्टर इंडिया का दिल तुम पे आ गया, काली आंखें माथे पे बिंदिया, लंबे लंबे बाल ओ मिस इंडिया, ओ मिस इंडिया, अरे ओ मिस इंडिया, ओ मिसेस इंडिया, ओ मिसेस इंडिया, मिस्टर मिसेस इंडिया, हम मिस्टर मिसेस इंडिया। I love you. You mean me? Why not, sir? I respect you. I like you. Therefore, I love you. Nice boy, nice. अच्छा रवि तुम यहाँ पर आ गए, मुझे केस के बारे में तुमसे जरूरी बातें करनी। अच्छा चलो मेरे साथ ऑफिस चलो, इत्मीनान से वहीं पर बैठ कर बातें करते हैं। ऑफिस? यस। क्यों? वो ऐसी कोई बात नहीं सर। सर आपके घर में किचन नहीं? क्यों किचन क्यों नहीं है? नहीं मुझको चाय नहीं पीनी है, एक ग्लास ठंडा पानी पीऊंगा। अंजू बेटा मेहमान आए, चाय पानी का प्रबंध करो। रवि ये नहीं सर, यहाँ रख दूं मैं। हाँ यहाँ। हाय डैडी, चलिए मुझे देर हो रही है। अच्छा रवि बेटे हाँ? तुम आराम से चाय पी करके ऑफिस चले आना। हाँ हम चलते हैं। हाँ कब? बाय बाय। स्वीटहार्ट मैं ये कह रहा था कि गाड़ी कैसी लड़की है। एम आई अ ब्लडी कुत्ता टू हैव दिस टीम? क्या हमको जाने मिलती है? ये दुनिया में जज्बात की कदर नहीं है। फूल ब्लडी फूल। चली चली देर हो रही। एसी पी साहब चलेगा क्या? एक मिनट। गुले बकावली हा? अब गुले गुलजार चश्मे बद दूर याद दुनिया रहा। अब आंधी तूफान नहीं, अब मैं दुनिया की मिस वर्ल्ड तो क्या, मिस इंडिया भी आपके सामने कुछ नहीं है। एक्चुअली मैं साफ साफ बोलो ना, यू लव आई लव यू टू। You love. Hey, hey. इस दुनिया में जज्बात की कदर है। हसीनो नाजनीनो कमसीनो, सांस रोक लो, कान खोल लो, दिल थाम लो और आंखें जमा लो। ये जो आप जंगल देख रही हैं ना, कोई मामूली जंगल नहीं है। हम बॉम्बे से इतनी दूरी जंगल देखने नहीं आए हैं, वो 1000 साल पुराना किला देखने आए हैं। वहाँ जाने के लिए एक यही रास्ता है। ये जंगल उस किले से 1006 साल पुराना है। तुमको कैसे मालूम? मुझे आए हुए 6 साल हो गए। उस वक्त ये 1000 साल पुराना था, 1006 साल पुराना हो गया और यहाँ परिंदे नहीं उड़ते हैं। परिंदे के रूप में रूह भटकती है, आत्माएं भटकती हैं। आत्माएं? हाँ, दुनिया की जितनी नाकाम प्रेम कहानियां है ना, हाँ सब यहीं शुरू हुई है। आई मीन सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल लव स्टोरी यहीं शुरू हुई है। लैला मजनू, शरीफ फराद, कहा हुए रोमियो जूलियट, कहा वाह वाह वाह, रंजा चुप रहा तसी पुन्नू। हर महीने 10 तारीख को यहाँ लगता है मेला। हर 10 तारीख को यहाँ रूहें आती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, खाती हैं, पीती हैं, यूं करती हैं। आज भी 10 तारीख है, उनको बुलाओ ना, हम भी देखेंगे। कोशिश करता हूँ। Oh, my God.
साथ देनी पड़ेगी। पिताजी, भाभी तो हमें इतनी पसंद आई, जी करता है उन्हें वापस ही ना जाने दे, यही रख ले। अभी वो तेरी भाभी नहीं, किसी की बेटी है। अरे भाई, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तू एक काम कर, बंबई चला जा और उसके पिताजी से मिलकर दोनों की बात पक्की कर दे। चाचा, आपका बेटा रवि भी तो बंबई में है, आज तक उससे कभी नहीं मिले, बड़ी तमन्ना है उससे मिलने की। चाचा एक काम करते हैं, हम सब भी आपके साथ बंबई चलते हैं, रवि और चाची से भी मिल लेंगे और होने वाले ससुर से भी। बेटी, तू इसकी बातों में मत आ, नहीं तो तेरी ट्रेन छूट जाएगी। शिवा बेटी, तू भी जल्दी से तैयार हो जा, विमला की शादी के लिए मुझे गुड़गांव छोड़कर नेहा को स्टेशन ले जाना, मैं कल आ जाऊंगी। अच्छा मां। अरे चराग लेके भी ढूंढता तो तुझे ऐसी बहू नहीं मिलती। तू बहुत बड़ी किस्मत वाला हरे सागा। वो तो मैं हूं ही। अगर किस्मत वाला ना होता तो तुझ जैसा दोस्त कहां से मिलता। यार अब बहुत हो चुका, अब तू अपनी बदली यहीं करवा ले, भाभी और रवि को भी यहीं ले आ, सब साथ मिलकर रहेंगे, बहुत हो गया बंबई में रहना। हाँ, तमन्ना तो मेरी भी यही है, आज मेरे सेठ लोग आ रहे हैं। हाँ। मैं आज ही उनसे बात करूंगा, मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरी प्रार्थना मान लेंगे। कमाल की जगह है ये पार्टनर्स, सरहद के पास होने से हमें हथियार भी आसानी से मिल जाते हैं और किसी को शक भी नहीं होता कि हमारे ट्रक बच्चों के खिलौने नहीं, मौत का सामान लेकर जाते हैं। बस एक बार ये खिलौने बॉम्बे पहुंच जाए, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में तबाही और बर्बादी का वो तूफान लाएंगे कि सारी दुनिया कांप उठेगी। और उसके बाद तुम मिला है अपने मालिक को? हाँ, तू जल्दी से गाड़ी बैठ, हमें शहर के पुलिस थाने जाना है, जल्दी कर, मैं सब कुछ बता दूंगा बाद में, जल्दी कर। हमारा राज जानने वाला कभी जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन अफसोस कि तेरे साथ ये तेरा देश प्रेमी दोस्त भी बेमौत मारा जाएगा, समझे? पकड़, पकड़ जाने बच्चे। क्या हुआ पिताजी, ये सब क्या है? मैं बताता हूं बेटा, मैं बताता हूं, मैं जिन लोगों के साथ काम करता रहा वो देशद्रोही निकले। आज तक मैं समझता था कि वो अपने ट्रकों में खिलौने सप्लाई करते हैं, लेकिन आज मालूम हुआ कि वो खिलौनों की आड़ में सरहद पार से खतरनाक हथियार सप्लाई करते हैं। इस ट्रक में भी खतरनाक हथियार है बेटे, इन हथियारों को गद्दारों के हाथ मत लगने देना, उनके हाथ मत लग देना बेटे। आप फिक्र मत कीजिए चाचा, आप दोनों घर जाइए, मैं इस ट्रक को ठिकाने लगा कर आता हूं। अफसोस से इस बात का है सांगा कि जिनको मैं फरिश्ते समझता था वही गद्दार निकले। मुझे भी अफसोस तो है इस बात का। पिताजी, मुन्नी, अरे भाई गुरमीत, कहां हो सब? पिताजी, डोंट वरी सर, शिवा की फैमिली और उसका दर राणा को तो हमने खत्म कर दिया है, शिवा की बहन हमारी कैद में है सर, और शिवा हमारा ट्रक लेके किसी भी वक्त आ सकता है। हाँ।
वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी बहन कहाँ है? पहले ये बताओ कि हमारा ट्रक कहाँ है? हमारा ट्रक वापस कर दो और अपनी बहन को ले जाओ। कहाँ है मेरी बहन? पता? शिवा की मौत से आप उस ट्रक का मिलना नामुमकिन हो गया जिसने हमारा करोड़ों कमाल था और हमारा ऑर्गेनाइजेशन के जरूरी कागजात थे। ट्रक का पता तो हम किसी न किसी तरह से निकाल ही लेंगे सर। वेरी गुड। अब तुम इनकी लाशों को इनके घर में भेज दो और वहां गोला बारूद रखकर घर ब्लास्ट कर दो ताकि पुलिस ये समझे शिवा उसका बाप और हमारा गद्दार राणा ही टेररिस्ट है। ये क्या हो गया? मुझे तो अब भी यकीन नहीं होता कि सांगा जैसा आदमी देश के दुश्मनों का आदमी हो सकता है। बाप बेटे को तो की सजा मिलनी थी मगर बेचारा राणा उनकी दोस्ती भी बहुत मारा गया। उसी ने मुझे फोन किया कि दुनिया जिस सांगा को देशभक्त समझ के आदर करती है वो देशभक्ति की चादर में छुपा हुआ गद्दार है और हथियारों की स्मगलिंग करता है। नहीं, तुम ऐसे नहीं हो सकते, तुम ऐसे नहीं हो सकते। मैं जानती हूँ तुम पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। मैं जानती हूँ हाँ।
आइए डॉक्टर साहब। वैसे तो तुम्हारी माँ की हालत ठीक लगती है, लेकिन ख्याल रहे वो दिल की मरीज है। पहले दिल के दो दौरे तो वो बर्दाश्त कर गई, लेकिन तीसरा दौरा जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए कोई भी दुख, कोई भी सदमा उनके करीब नहीं आना चाहिए। एक्सक्यूज मी। यस मिस्टर रवि का घर कौन सा है? जी मैं हूं, कहिए। आई एम सॉरी मिस्टर रवि, आपके लिए एक बुरी खबर है, आपके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। शीला, मनोहर, क्या हुआ? ये शोर कैसा? अरे चुप क्यों हो गए? क्या हुआ? कुछ तो बताओ। वो दिल की मरीज, पहले दिल के दो दौरे तो वो बर्दाश्त कर गई, लेकिन तीसरा दौरा जानलेवा भी हो सकता है। अरे माँ, तुम्हारी क्यों चली? तुझे आराम करने के लिए कहा ना डॉक्टर ने। अरे मुझे तो ऐसा लगा कि तेरे पिताजी आए हैं। नहीं माँ, पिताजी तो हमसे बहुत दूर हैं, वो भला कैसे आ सकते हैं? वो क्या है कि तू दिन भर उनके बारे में सोचती रहती है ना, इसलिए तुझे ऐसा लगा। तुझे आराम करने के लिए कहा ना, आराम कर जा। चल। चाचा, आपका साया तो सर से उठ चुका है, अब अगर माँ को पता चला। जानता हूँ बेटे, तेरी माँ को अब हमें से कोई नहीं बताएगा कि वो स्वागन अब विधवा हो चुकी है। रवि, सच पूछो तो हमें इस बात का गर्व है कि तुम्हारे पिताजी से देशभक्त हमारे कंसर्न में काम कर रहे थे। उनकी मौत एक मामूली आदमी की मौत नहीं है रवि, एक शहीद की मौत है रवि, एक शहीद की। उनका खून बेकार नहीं गया रवि, उन्होंने अपना खून बहाकर सांगा और उसके बेटे शिवा जैसे देशद्रोही के दाग को इस धरती पर से धोया है। रिलैक्स रवि, प्लीज रिलैक्स। मुझे कसम है साहब, देशद्रोहियों के खिलाफ जो जंग मेरे पिता ने शुरू की, अब उसे मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा। ये क्या कह रहे हो लाला जी? तुम्हारा पैसा तो हमेशा तुम्हें बिना बोले दिया गया है, आज थोड़ी सी देर हो गई तो तकाजा करने चले आए? रवि की माँ, तकाजा तो करना ही पड़ता है, तेरा बेटा तो कमाने से रहा और तुम्हारा पति। मेरे पिता के बारे में बकवास की ना तो जान से मार डालूंगा तुझे, तेरा पैसा तुझे मिल जाएगा। चल जा, ऐसे चल जा, चल जा ना। एक महीना पैसा क्या नहीं मिला, घर तक आ गया। कल पैसा कहां से लाएगा बेटे? तेरे पिताजी तो हर महीने वक्त पर मनी ऑर्डर भेजा करते थे, पता नहीं भेजा होगा। माँ भेजा होगा, तुझे पिताजी की मजबूरी को पता नहीं? और कभी कभी क्या होता है मालूम है माँ, ये पोस्ट ऑफिस वाला ना ये देरी कर देते। अच्छा तुझे मातू खाना लगा, मुझे बहुत भूख लगी है, तू जाना माँ। मोहन बाबू, मोहन बाबू, ये मनी ऑर्डर माँ को दे देना। हाँ चाची, चाची, चाची। कौन है? अरे जल्दी आओ, देखो चाचा का मनी ऑर्डर आया है। सिर्फ मनी ऑर्डर?
खत नहीं आया? माँ, माँ, ये क्या है माँ? लगता है पिताजी का मनी ऑर्डर आया है। हाँ बेटे, मनी ऑर्डर तो हर महीने आता है, लेकिन लगता है तेरे पिताजी हमसे नाराज हैं। पहले तो खत आते थे, अब तो खत डालना भी भूल जाते हैं। वो खत ना माँ, अरे खत तो आया है। आया है? हाँ। अरे तो जल्दी से पढ़ के सुना, क्या लिखा है? हाँ, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। प्यारे बेटे रवि, बहुत बहुत प्यार है। प्यारे पिताजी, आपको भी बहुत बहुत प्यार। बेटे इस खत के साथ मनी ऑर्डर भेज रहा हूँ। बहुत दिन हो गए खत नहीं लिख सका, क्योंकि मेरी बदली हो गई है। मालिक ने मुझे अपने पास बुला लिया। बेटे तुम लोगों की याद तो बहुत आती है, मगर क्या करूं, मजबूर हूं। यहां से खत लिखना बहुत मुश्किल है। अपनी मां का ख्याल रखना, क्योंकि मेरे बाद बस तू ही उसका एक सहारा है। उसे हर हाल में खुश रखना। हाँ पिताजी, मैं अपनी मां को हर हाल में खुश रखूं। क्या बात है बेटे, तेरा गला क्यों भरा है? वो कुछ नहीं मां, जब भी पिताजी की याद आती है आग भर आती। पतली, अरे तू हमेशा हंसता रहे, तेरी आंखों से आंसू की एक बूंद भी ना निकले, इसीलिए तो हमसे इतनी दूर रहकर इतनी मेहनत करते हैं। अगली बार वो जब आएंगे ना, तब मैं उनसे कहूंगी कि वो कहीं नहीं जाए। अरे जिनका इतना अच्छा बेटा हो, वो इतनी मेहनत मजदूरी क्यों करे भला, है ना? तू हंसते, अरे तेरी हंसी में ही तो उनकी हंसी छिपी है बेटे, हंस देना। हंस दे। पहली नजर में लोग एक दूसरे के हो जाते हैं, ये किताबों में तो पढ़ा था, और अब जिंदगी में भी देख लिया है ना। सोचती हूँ बॉम्बे वापस जाऊंगी तो मेरी बात पे यकीन कौन करेगा? कॉलेज टूर पर निकली थी और जिंदगी के सफर में किसी के साथ हो ली। हम जब धूमधाम से बैंड बाजे के साथ आपके शहर बम्बई आएंगे, तब तो पूरी दुनिया यकीन करेगी ना। अगर शादी के दिन भी तुम्हारा यही हुलिया रहा तो घोड़े पर चढ़ के तुम दुल्हा नहीं लगोगे, लगेगा कोई राजपूत घोड़े पर बैठ के लड़ाई करने जा रहा है। जब मेरे डैडी से मिलने आओ तो इस हुलिये में मत आना। मतलब हमारे ससुर साहब हमको हुलिये से पसंद करेंगे। अच्छा आप ही बताइए, हमारा हुलिया होना कैसा चाहिए? ये जो तुम्हारी दाढ़ी है ना, ये नहीं चलेगी। ठीक है। और ये जो तुम्हारे कपड़े है ना, ये भी नहीं चलेंगे। ये भी ठीक है। और वो जो कभी कभी तुम पगड़ी लगाते हो ना, वो तो बिल्कुल नहीं चलेगी। और बस 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 बस, अब ये मत कह देना कि मेरी आंखों का रंग भी तुम्हारी आंखों जैसा होना चाहिए।
अरे नेहा, प्यार में तो लोग जीते हैं, इस तरह घुट घुट कर मरते नहीं। तू ऐसे जिएगी तो पागल हो जाएगी तू। कम ऑन, लेट्स गो। अंजू, यादें और जुदाई प्यार में पागल ही तो कर देते हैं, मगर शिवा तो नहीं। अंजू, इनकी सांसें तो मेरी हो चुकी हैं। जब मेरी सांसें अभी तक चल रही हैं, तो इनकी धड़कने कैसे बंद हो सकती हैं? नहीं, नहीं, ये सच है बेटा। जब हमने तुम्हें उन जालिमों से बचाया था, उस वक्त तुम में सिर्फ दो चार सांस ही बाकी थे। तुम्हारी बहन मर चुकी थी, हमने उसका संस्कार भी कर दिया था। ये रही उसकी अस्थियां। मुन्नी, मुन्नी, मुझे विश्वास था मेरा शिवा जरूर आएगा, लेकिन मां, पिताजी और मुन्नी। नहीं बेटा, नहीं, मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं, चिंगारी देखना चाहती हूं, आग देखना चाहती हूं। कसम है तुझे अपनी मां के दूध की, जब तक तू अपने पिता के माथे पर लगे देशद्रोही का कलंक मिटा नहीं देता, तू चैन नहीं लेगा बेटा, तू चैन नहीं लेगा। बंबई जाके राणा चाचा के बेटे रवि को भी बता देना कि उसके पिताजी के कातिल कौन है, और दोनों मिलकर इस देश में एक जोरदार आंधी लाना, एक जोरदार तूफान उठाना, जिसमें ये जालिम और इनके जैसे देशद्रोही तबाह और बर्बाद हो जाए। सुनिए भाई साहब, रवि माथुर कहाँ रहते हैं? रहते तो यही है, लेकिन इस वक्त जैकब के अड्डे पे मिलेंगे। अकेले में शराब सिर्फ दो तरह के लोग पीते हैं, एक वो जिन्हें शराब ने मार रखा हो, और दूसरे वो जिन्हें गम ने मार रखा हो। शराब के मारे हुए तो तुम लगते नहीं हो, और गम को बांटा भी जा सकता है। टोनी नाम है मेरा दोस्त। दोस्त, लगता है तुमने अभी तक दुनिया नहीं देखी। एक राय देता हूं, जिंदगी में जितने चाहे दुश्मन बना लेना, मगर कभी किसी को अपना दोस्त नहीं बनाना, क्योंकि दोस्त एक ऐसा नाग है जिस लहू को पीकर जीता है, एक दिन अपना सारा जहर उसी लहू में भर देता है। कभी मत पालना ऐसे नाग को, कभी नहीं। लगता है जिस तरह कभी कभी रात के अंधेरे में रस्सी सांप नजर आती है, उसी तरह गलत फहमी के अंधेरे में तुम्हें दोस्त नाग नजर आ रहा है। गलत फहमी के अंधेरे में नहीं, मैंने उस नाग के दांतों के निशान देखे हैं अपने बाप के जिस्म पर, उसकी चलती हुई चिता की आंख की रोशनी में।
और सुना है कि उस नाग का सपोला भी शहर में आया हुआ है मेरे बाप के हमदर्दों को डसने के लिए। एक बार, बस एक बार मेरी आंखों के सामने आ जाए। हाँ, सामने तो वो जरूर आएगा, दुश्मन होगा तो दुश्मनी जताने, और अगर दोस्त होगा तो दोस्ती साबित करने। हाँ, एक बार उसके बाप ने अच्छी दोस्ती साबित की थी। दोस्त किसे कहते हैं मालूम है? दोस्त उसे कहते हैं जो अपने दोस्त के लिए खून बहा दे, उसके लिए अपनी जान तक दे दे। खैर छोड़ो यार ये दोस्त और दोस्ती के चक्कर को, मैं खाने में आया हूं, शराब पियो। उन जालिमों ने रवि के दिल में मेरे खिलाफ नफरत भर दी है, अब उन तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अखबारों में अपने जिंदा होने की खबर छपवाई जाए जिससे उनके दिलों में खलबली मच जाए। शिवा, मरने के बाद दूसरा जन्म होता है ये तो सुना था, लेकिन मरने के बाद कोई इसी जन्म में वापस आ जाए ये नहीं सुना था। अरे यार, मेरा ख्याल है ये ड्रामा हमारे किसी दोस्त ने हमें ब्लैकमेल करने के लिए किया है। ये ड्रामा किसने किया है मैं तुम लोगों को बहुत जल्दी बता दूंगा। कैसे? ये तुम मुझ पर छोड़ दो। हेलो, पेपर में शिवा की फोटो किसने दी? जी, उस आदमी का नाम और पता क्या है? देखिए, हमारे अखबार का ये असूल है कि हम इश्तेहार देने वाले का नाम और पता नहीं बता सकते। और मेरा ये असूल है कि जो मैं जानना चाहता हूँ उसे मैं किसी भी हाल में जान लेता हूँ। मैडम, शायद तुम मुझे जानती नहीं, मेरा नाम जैकॉल है। मैं इसे नहीं जानती। तू झूठ बोल रही है, लेकिन याद रख कि जैकॉल सीना फाड़कर सच्चाई निकालता है। चल बता, बोल, बता वो कहाँ रहता है, बता वो तेरे ऑफिस में क्या करने आता है। मुझे नहीं मालूम। बता, तुझे सब कुछ मालूम है। मुझे बच्चा नहीं, तो तू माँ भी है नहीं, अब तो तू सब बताएगी। मेरे बच्चे को छोड़ दो, वो बीमार है। बच्चा बीमार है? अगर अब भी तुमने उसका पता नहीं बताया ना, तो ये बच्चा मर भी सकता है। चल हट। नहीं, राजू, 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 भगवान के लिए मेरे बच्चे को चल, हट, मैं पड़ती हूँ, हट, मैं बोलता हूँ, मेरे बच्चे को चल, छोड़ दो। शिवा नहीं, शिवा को तो तूने और तेरे साथियों ने बहुत पहले ही मौत के मुंह में ढकेल दिया था। अब जो तेरे सामने खड़ा है वो तेरी और तेरे सभी साथियों की मौत है, हरामजादे। शिवा, शिवा मुझे छोड़ दे, मेरी भी एक बीवी है, एक बच्चा भी है शिवा। लेकिन बहन नहीं होगी, बाप नहीं होगा, अगर होते तो तुझे उस आग का एहसास होता जो एक बेटे के दिल में जलती है, जिसकी बहन और जिसके बाप को उसी की आंखों के सामने तुम जैसे जालिमों ने तड़पा तड़पा कर मार डाला। ला बच्चा जल दे। आजा राजू, हाँ मेरा बेटा। बहन, मेरी इस लड़ाई में जितने आंसू तुमने बहाए हैं उनकी कीमत तो मैं नहीं चुका सकता, लेकिन जालिम से एक माँ की गोद सुनी होने से बचाकर एक भाई का फर्ज पूरा किया है, लेकिन डर है कहीं कल फिर ना। नहीं बहन, डरो मत, इसकी जिंदगी में अब कल नहीं आएगा।
अपने साथी से थोड़ा भी प्यार हो तो अपने पनवेल वाले फार्म पर चले आना उसके अंतिम दर्शन करने के लिए। What nonsense? कौन बोल रहा है? शिवा। सर मेरी तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि जिस आदमी को आपकी पुलिस ने मुर्दा डिक्लेयर कर दिया था वो आदमी जिंदा कैसे हो गया। ये बात तो हमारी समझ में भी नहीं आ रही है कि वो बच कैसे गया, लेकिन खैर अब वो ज्यादा दिन बचकर नहीं रह पाएगा। उसे ढूंढने के लिए उसकी एक तस्वीर हमने अखबारों में दे दी है और पुलिस के आदमी हमने चप्पे चप्पे पर लगा दिए हैं। पुलिस? हर चीज गैंग का पता मैंने पुलिस को दिया था। पुलिस आज तक उस गैंग को नहीं पकड़ पाई तो शिवा को क्या खाक पकड़ पाएगी? उसकी वजह ये थी कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन मेरे पास रास्ता है, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैं वादा करता हूं कि शिवा और उसकी गैंग को मैं गिरफ्तार करूंगा। नेहा, देश के दुश्मनों ने तबाही की आंधी में हमारे सारे सपने उजाड़ दिए। नेहा, मैंने अपनी मां के चरणों की सौगंध खाई है कि जमीन से देश के दुश्मनों को मिटाकर अपने बाप के माथे पर लगे दाग को मिटा दूंगा या फिर मौत को गले लगा लूंगा। शिवा, इस लड़ाई में नेहा तुम्हारे साथ है। नेहा, डैडी, डैडी। नेहा बेटे, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। यही ना कि शिवा जिंदा है। तुम्हें कैसे पता? वो मुझसे मिलने आया था, बोल रहा था बहुत जल्द आपसे मिलने आएगा। हाँ, मैं भी उसका बड़ी बेचैनी से इंतजार करूंगा। एक बाप की हैसियत से या कानून के रखवाले की हैसियत से? तुम समझती क्यों नहीं हो नेहा, जिससे तुम प्यार करती हो कानून उससे नफरत करता है। जिसके लिए तुम्हारे दिल में चाहत है वो आज शहर में दहशत बना हुआ है। उसने जगह का खून किया है, वो कातिल है, वो खूनी है, वो देशद्रोही है। नहीं डैडी, शिवा देशद्रोही नहीं है, वो तो उन देशद्रोहियों को उनके किए की सजा देने आया है। शिवा कौन होता है सजा देने वाला, कानून को अपने हाथ में लेने वाला? तो वो कातिल कौन थे? शिवा को अनाथ करने वाले, उसके हंसते खेलते घर को बर्बाद करने वाले, उसकी जिंदगी से उसकी खुशियां छीनने वाले? डैडी, वो गुनहगार नहीं है। शिवा गुनाहगार है और उसकी गिरफ्तारी कानून का फर्ज है। अगर आपका यही फैसला है तो मेरा भी फैसला सुन लीजिए। आप सजा एक को सुनाएंगे लेकिन हत्याएं दो होंगी। वहां शिवा की चिता जलेगी तो यहां नेहा की अर्थी उठेगी। ऑल राइट मिस्टर जॉन, बहुत जल्दी आपको इस देश में तबाही की खबरें मिल जाएंगी। ओके डेविल, कुछ कर यार, जॉन को तबाही चाहिए। तबाही? तबाही? हाँ, तबाही। तबाही, तबाही। विक्रांत, देखो
बस्ती में गणपति की। Bye-bye.
जगो छीन लिया गणपति बाबा मोरया गणपति बाबा मोरया गणपति बाबा मोरया। हर गली हर मोहल्ला हर होटल छान डालो, हमें हर हालत में शिवा चाहिए। हमारी लापरवाही से हमारे आदमी मर गए, हमें जिंदा रहने के लिए उस हरामजादे को खत्म करना ही होगा। बॉस ने कहां फंसा दिया यार, कहां ढूंढे शिवा को। अरे छोड़ यार शिवा को, चल चेयर्स यार चेयर्स। अरे यार ये इंग्लिश में वो बात नहीं जो जामुल में। अरे शक्ल अच्छी नहीं तो बात तो अच्छी करना यार, ये अच्छा जगह बैठने का लायक ही नहीं है। वेटर। यस सर। वन एम्प्टी ग्लास। स्मॉल या लार्ज सर। एक खाली ग्लास लाना। खाली? स्मॉल या लार्ज? ना स्मॉल ना लार्ज, वन एम्प्टी ग्लास। तुम्हारे इन कुत्तों ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया, अब तुम लोग भी जान लो सेठ, और अपने इन कुत्तों को यह अच्छी तरह से समझा देना कि आइंदा इस शहर के किसी भी बार में अगर शराब पीने जाएं, तो पहले पूछ ले कि वहां टोनी तो नहीं आता। शराब के लिए हमारे इतने खतरनाक आदमियों से उलझकर अपनी जान पर खेल गए, लगता है शराब का कुछ ज्यादा ही शौक है तुम्हें। शौक तो पूरा दौलत से होता है या फिर ताकत से, अपने पास दौलत तो है ही नहीं, इसीलिए सब कुछ ताकत से ही हासिल कर लेते हैं। बहुत कम कीमत लगाते हो तुम अपनी ताकत की। तुम अगर चाहो तो तुम्हारी ये ताकत हम मुंह मांगी कीमत पर खरीद सकते हैं। 1,00,000। तलाक। काम क्या करना होगा? सिर्फ इस आदमी को जिंदा या मुर्दा हमारे हवाले कर दो। सेठ,
इस आदमी की आंखों में देखकर तो यह लग रहा है कि ये जो भी एक बार ठान लेता है उसे पूरा करके ही रहता है। और तुम्हारी आंखों में देख के हमें लग रहा है कि तुम भी जो एक बार ठान लेते हो वो पूरा करके दिखाते हो। तो समझ लो घंटी बज गई। वेटर। यस मैडम। बैठ जाओ। सॉरी मैडम, इन सोफों पर सिर्फ कस्टमर्स बैठते हैं, वेटर्स नहीं। अब तुम वेटर नहीं रहे, तुम्हारी ड्यूटी 7 बजे तक है। ये देखो 7 बज गए। घड़ी की सुई से चाय नहीं बदल सकती। वक्त के बदलने से मर्द नहीं बदला करते मिस्टर। अरे अच्छा बुरा वक्त किसके ऊपर नहीं आता। नाउ बी अ ब्रेव मैन, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा प्यार मेरी दोस्ती तुम्हारे साथ है। आज मैं सबके सामने अपने प्यार का ऐलान करती हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं पुलिस कमिश्नर आरपी शर्मा की बेटी अंजू शर्मा ऐलान करती हूँ कि आई लव रवि, आई लव रवि। गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट। वाह वाह वाह। ऐसे किस्से कहानियों में सुने थे, नावलों में पढ़े थे और फिल्मों में देखे थे, लेकिन जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मेरी बेटी है, इसने जो कदम उठाया है, आइए हम सब मिलकर उसे दुनिया के सामने मिसाल बनाकर पेश करें। इस होटल में और भी वेटर्स मौजूद हैं, आगे बढ़िए और अपनी अपनी बेटियों की शादियों का ऐलान उनके साथ कर दीजिए। उठिए, आगे बढ़िए। क्या हुआ मिस्टर? दूसरों का घर उजाड़ कर उस पर मंदिर और मस्जिद बनाना बहुत आसान काम है मिस्टर, लेकिन खुद का घर उजाड़ना बहुत मुश्किल काम है। और तुम मिस्टर रवि? रवि, सपने बंद आंखों से देखे जाते हैं और हकीकत खुले आंखों से। और हकीकत यह है, शादी ब्याह बराबर की हैसियत में अच्छे लगते हैं। ये मेरी बेटी है और तुम, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम हमारे झूठे बर्तन धोते हो, हमारी टिप्स पर, हमारे बख्शिशों पर पलते हो। तुम खुद एक आवारा और बेसहारा इंसान हो। मेरी बेटी को तुम क्या सहारा दोगे? चलो यहां से। नहीं डैडी। तीर का हमारा गर्दिश का एक तारा, मैं हूँ आवारा एक बेसहारा, तकदीर का हमारा गर्दिश का एक तारा। तू मुझसे दिल लगाएगी तो दिल रुबा पछताएगी, मेरे साथ होगा ना तेरा गुजारा ना ना। मैं हूँ आवारा एक बेसहारा, तकदीर का हमारा गर्दिश का एक सितारा।
मैं हूँ आवारा, इस बेसहारा तकदीर का हमारा गर्दिश का एक तारा। गोली से उड़ा दूंगा। सर जी, आप कानून के रखवाले हैं, कानून तोड़ने वाले नहीं। आप ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं इस हरामजादे का ऐसा इलाज करूंगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। Nice meeting you, Tony. मुझे रवि कहते हैं दोस्त। टोनी बेटे, मैं समझती थी कि मेरे रवि को ही पराई आग में कूदकर अपना खून बहाने की आदत है, लेकिन तू भी तो वैसा ही है। क्यों ना हो, जब आदत मिलती है तो दिल मिलते हैं, और जब दिल मिलते हैं तो दोस्त बनते। दोस्ती की है तो निभाना भी। तू ये समझ ले माँ, कि आज से तेरे एक नहीं दो बेटे, आज से हमारी खुशियां भी एक हैं और हमारे गम भी एक हैं। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to dear day। ये क्या बदबू है?
किसने बुझाई लाइट? कौन है? शिवा। डेविल, मैंने सोचा था तुम अपने साथी जैकॉल की मौत का चौथा मना रहे होगे, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कोई खास तोहफा नहीं लाया। हमारे साथी को धोखे से मार के तू अपने आप को बड़ा बहादुर समझने लग गया? तेरी बहादुरी तो मैं, अगर मैं चाहता तो ये धमाका तुम सबके सीनों में भी हो सकता था, लेकिन इससे पहले मुझे तुम्हारे सीनों में अपने खौफ का धमाका पैदा करना है। अब हर पल हर वक्त सोते जागते तुम्हारे सीनों में शिवा के खौफ का धमाका रहेगा। डेविल, अगर हम आस्तीन में सांप पालते हैं तो उसके फन को कुचलना भी जानते हैं, लेकिन अब हमें सबसे पहले शिवा से निपटना है। और उसका इंतजाम आपके इस गुलाम ने कर दिया है। ये देखो, ये औरत शिवा की माँ है। तुम्हारी माँ हमारे पास है शिवा। डीके सेठ और जेके सेठ के दिए पते पर आ जाओ। अभी तो तुम्हारे जिस्म से सिर्फ पानी की बूंदें टपक रही हैं। अगर तुमने शिवा का पता नहीं बताया। अरे देशद्रोही, जब ये धरती माँ तेरे जुर्म और जुर्म सहकर भी चुप है तो क्या ये माँ अपनी दबाई से घबराकर तुझे अपने बेटे का पता बता देगी? बताएगी, जरूर बताएगी, बहुत जल्दी बताएगी, क्योंकि हर कोड़े के साथ साथ तेरी एक एक सांस टूटेगी और तेरी टूटी हुई सांसों से मुझे तेरे बेटे का पता मिलेगा। तोने! जानते कौन है ये माँ? मगर किसकी माँ? एक बदनसीब बेटे की, और वो बदनसीब है शिवा, जो अच्छी तरह से जानता है कि उसकी माँ मेरे कब्जे में है और वो अपनी माँ को इस तरह से मरने नहीं देगा। हाँ, आप ठीक कहते हैं, कोई भी बेटा अपनी मां को मरने नहीं देगा। तो लो ये हंटर, और इस बुढ़िया को इतना तड़पाओ कि इसके कमीने बेटे का दिल तड़प जाए और वह इसे बचाने आ जाए। टोनी ने हमेशा मर्दों पर वार किया है, किसी औरत पर नहीं, और यह तो मां है। किसकी मां? शिवा की मां। उस शिवा की मां जिसे मारने के लिए हमने तुम्हें किराए पे रखा है। आज या तो तुम इससे इसके बेटे का पता पूछोगे, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी का पत्ता काट दूंगा। देखता क्या है, आज अगर एक मां का इम्तिहान है तो तेरा भी इम्तिहान है। तुझे भी मंजिल तक पहुंचना है तो मेरे शिवा को भी मंजिल तक पहुंचना है। उसके कदम और इरादों को कोई नहीं रोक सकता। उसने अपने बाप का बहा हुआ खून देखा है और उस खून पर थूकने वाले चेहरे भी देखे। उसको अपने बाप पे लगे हुए दाग को मिटाना है और इस धरती माँ के सीने से जालिमों को। उठा हंटर, मैं कहती हूँ उठा हंटर, असल में तुझे उस माँ के दूध की। उठा हंटर, मैं कहती हूँ उठा हंटर, उठा उठा। आपका फोन आया।
टोनी, मुझे इस वक्त कहीं जाना है, मगर याद रहे ये हंटर तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक इस बुढ़िया की जबान पर इसके बेटे का पता नहीं आ जाता, और पता मिलने पर मुझसे आके मिलना। शिवा, मुझे माफ कर दे मां, मुझे माफ कर दे। जिसके दूध से जिंदगी मिली, आज उसी पर कोड़े बरसाने पड़े। ये कैसी कसम दे दी मां, ये कैसी कसम दे दी तूने? अरे लोग तो अपनी मां के आंसुओं के बदले अपना खून तक बहा देते हैं, मगर ये बदनसीब बेटा। ये तो कुछ भी नहीं है बेटे, तुझे तो और भी बड़े इम्तिहान देने हैं। पहुंच डाल इन आंसुओं को, मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं इन जालिमों की तबाही देखना चाहती हूं। मां, रवि भी हमें अपना दुश्मन समझता है, उसे यह नहीं मालूम कि टोनी भी मैं हूं और शिवा भी मैं। उसने अपनी मां को यह भी नहीं बताया कि वो विधवा हो चुकी है। तू यहां क्या कर रहा है? तुझे पता है ये शिवा की मां है? हाँ हाँ, मुझे पता ये शिवा की मां है, इसीलिए तो मैं यहां आया हूं। हाँ टोनी, अब मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। उसकी मां मेरे हाथों में होगी तो शिवा खुद ब खुद मेरे हाथों में आ जाएगा, और मैं अपना बदला आसानी से ले सकूंगा। वो सब तो ठीक है, मगर तू अपनी मां से क्या कहेगा कि ये कौन है? हाँ, मैं उनसे कह दूंगा कि ये तेरी मां है। ठीक है, तू अपनी मां से कह देना कि ये मेरी मां है। जैकब, ये बम वाला शो किसने शुरू किया है? किसकी शरारत है ये? जैकब, अरे जैकब, जैकब, किसने दरवाजा बंद किया ये? ओपन द डोर, जैकब, सुनते क्यों नहीं हो? खोलो यार, खोलो दरवाजा। ये
क्यों डेविल, कैसा लग रहा है अपनी मौत के खिलौने से खेलना? कौन हो तुम? तेरी मौत शिवा। शिवा, तू अगर मर्द का बच्चा है तो सामने आ, छुप के क्या हाल करता है कमीने? कभी कभी अमराज से भी भूल हो जाती है, लेकिन ये मत समझना एक बार मौत को धोखा दे देने से जिंदगी लंबी हो जाती है। नहीं, जिंदगी और मौत की लड़ाई में जालिम का पलड़ा हर बार भारी नहीं होता। पहचानता है इस हंटर को? तूने मुझे इसे मेरी मां को मारने के लिए दिया था ना? तू? टोनी? हाँ, टोनी भी और शिवा भी। अगर मैं चाहता तो इसे अपनी मां पर उठाने के बजाय इससे तेरे जिस्म की बोटी बोटी नोच डालता। मगर मेरी उसी मां ने मुझे कसम दी है कि मुझे उसके आंसू पोंछने से पहले तुझ जैसे हर देशद्रोही को मिटाकर उन सैकड़ों माओं के आंसू पोंछने हैं जिनके बेटों को तूने मौत दी है, जिनके सुहागों को तूने उजाड़ा है और जिनके भाइयों को तूने मौत की गोद में सुलाया है। इसलिए मैं टोनी बनकर तुम्हारे गैंग में शामिल हुआ ताकि तेरा और तेरे जैसे दूसरे देशद्रोहियों के चेहरे भी पहचान लो। पहचान लिया ना? मगर तू एक चीज पहचानना भूल गया, मेरा नाम डेविल है और डेविल का मतलब शैतान होता है। क्या ये? तोहफा फॉक्स साहब, अभी भी एक आदमी आपको देने के लिए दे गया है। फॉक्स को तो अब सिर्फ एक ही तोहफे का इंतजार है और वो है शिवा की लाश। शायद डेविल ने शिवा की लाश ही हमारे लिए भिजवाई है। खोलो। अपने साथी को पहचाना फॉक्स? ये जो अस्थियां हैं ना, कुछ देर पहले एक जीता जागता चलता फिरता तुम्हारा साथी डेविल यानी शैतान था। नहीं! जो तुम्हारे गोडाउन में उन खिलौनों से जिनमें तुम बॉम्ब रख के बेकसूरों की हत्या करते हो, आज उसकी बाप की जिंदगी का भी अंत हो गया। शिवा! जितना जी चाहे चिल्ला लो फॉक्स, क्योंकि कुछ देर के बाद तुम्हारी आवाज का भी अंत होने वाला है। मैंने वो बॉम्ब लगे हुए खिलौने तुम्हारे कमरे में भी पहुंचा दिए फॉक्स। Hey!
क्या हुआ फॉक्स साहब? टोनी, 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 शिवा ने डेविल को मार डाला है और मुझे खत्म करने के लिए मेरे रूम में खिलौने रख दिए और नीचे जाने के सारे रास्ते बंद कर दिया उसने। फॉक्स साहब, इसमें डरने की क्या बात है? खिलौने तो खेलने के लिए होते। नहीं टोनी, ये मामूली खिलौने नहीं है, ये हमारे खिलौने हैं, बम है इनमें। टोनी नीचे जाओ और हमारे कबर्ड में हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड्स की फाइलें उन्हें ले आओ। टोनी उन फाइलों का बचना बहुत जरूरी है, हमारे तमाम राज हैं उनमें। साहब आप तो खामखा डर गए, ये बम वाले खिलौने नहीं है, ये तो बच्चों के खेलने के खिलौने हैं। लीजिए। थैंक गॉड हमारी फाइलें बच गई, लेकिन शिवा तू नहीं बचेगा। ये पहली करवा चौथ है जब रवि के पिताजी यहाँ नहीं है। टोनी के माँ, न जाने बार बार दिल में क्यों ख्याल आता है कि वो हम माँ बेटे से नाराज हैं। अब की बार जब वो आएंगे ना, तब मैं उन्हें इतनी दूर कभी नहीं जाने दूंगी। सरला, ओ सरला, पूजा करने चलना नहीं है क्या? रवि की माँ वो तो बहुत देर से करवा चौथ की पूजा करने मंदिर गई हैं। मंदिर चली गई अकेली, मुझे नहीं ले गई? सरला, कमला बरसों जिसे साथ लेकर करवा चौथ की पूजा करती थी, आज क्या उसे ही भूल गई? क्या बात है, तुम लोग चुप क्यों हो? अब इसे कैसे, मगर बताना तो पड़ेगा ना कि ये सुहागन नहीं विधवा है। वो शिवा अपना मां को ले गया, हमारा इंपोर्टेंट फाइल भी ले गया। आप हम उसका कुछ नहीं कर सकते। Our organization will be finished. आप बेफिक्र रहिए सर, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हमें उसकी मां का पता लग गया है, वो रवि के घर में है। एक प्लान बनाया हमने। What plan? सुनिए, रवि को घर से दूर रखने के लिए हमने एक डांस कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया है। उसे उसकी माँ के इलाज के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, इनाम जीतने वो वहां जरूर जाएगा, और जब वो वहां जाएगा हम अपना काम यहां कर देंगे। ओके। क्या?
हो? कुछ समझ में नहीं आता। हिंदी में बोलो ना, हिंदी में। रूसी ना अमेरिकी, ना चीनी पाकिस्तानी। रूसी ना अमेरिकी, ना चीनी पाकिस्तानी। ये एटम बम कयामत का है पूरा हिंदुस्तानी। अरे रूसी ना अमेरिकी, ना चीनी पाकिस्तानी। रूसी ना अमेरिकी, ओ ना चीनी पाकिस्तानी। ये एटम बम कयामत का है पूरा हिंदुस्तानी। मुझको वो खींचे खुद ही खतरे के, जाऊं मैं पीछे 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 पीछे। आए जैसे कोई चुंबक मुझको वो खींचे खुद ही खतरे के, जाऊं मैं पीछे। रूसी ना अमरीकी, ओ ना चीनी पाकिस्तानी। ये एटम बम कयामत का है पूरा हिंदुस्तानी। कितना हो गया भाई? 5 रुपया साहब। ये ले तेरा 5 रुपया। माँ, माँ, हे माँ, 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 माँ तो बोलती क्यों नहीं? माँ, माँ तो बोलती क्यों नहीं माँ? ये देख माँ, मैं तेरे आंखों के इलाज के लिए पैसे लेके आया हूँ माँ। माँ, माँ तो बोलती क्यों नहीं? तू बोलती? किसने मारा मेरी माँ को? हाँ, किसने मारा मेरी माँ को? हाँ, किसने मारा? हाँ, किस? माँ, बेटे, हाँ, मैं तेरे पिताजी के पास जा रही हूँ। माँ, मुझे
पता चल गया है कि तेरे पिताजी जिंदा नहीं है। नहीं माँ, नहीं, नहीं, नहीं माँ। किसने किया तेरा ये हाल? हाँ? टोनी, शिवा, शिवा। अब तो यकीन आ गया ना, कल तक वो उन खूनियों के खून से होली खेलता था जो उसके मां बाप के कातिल थे, मगर उस बेपसंदी बुढ़िया ने उसका क्या बिगाड़ा था। इसीलिए मां बाप अपनी औलाद का रिश्ता खून देखकर ही करते हैं, क्योंकि रंग तो खून का ही होता है ना। हथियारे का बेटा हथियारा ही होगा। नहीं डैडी नहीं, ये झूठ है, मेरे शिवा पर इल्जाम है। इस बात का सबूत ना तो तुम्हारे पास है और ना ही तुम्हारे शिवा के पास। शिवा के पास अपने बेगुनाह होने का सबूत है एसपी साहब। शिवा? तो तुम शिवा हो? हाँ शिवा हूं मैं। यू आर अंडर अरेस्ट शिवा। नहीं डैडी नहीं, आप इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। हट जाओ बेटी, मेरे फर्ज और कानून के बीच कोई भी दीवार नहीं रह सकती, मेरे अपने खून की दीवार भी नहीं। हट जाओ नेहा, मुझे बचाने के लिए मेरी सच्चाई मेरी दीवार है। और सच्चाई है वो दो खून जिन्हें करने में तुम्हें कोई खौफ नहीं आया, और अब तीसरा उस अंधी बुढ़िया का खून जिसे करने में तुम्हें कोई शर्म भी नहीं आई। कानून के पास आंखें नहीं होती ये तो सुना था, मगर कानून के पास दिमाग भी नहीं होता ये आज पहली बार देख रहा हूं। अरे लानत है आपके ऐसे कानून पर जो एक देश प्रेमी और एक देशद्रोही के बीच में फर्क नहीं कर सकता। देश में बंदूकें और गोला बारूद स्मगल करके देश में तबाही फैलाने वाले ना सिर्फ देश के बल्कि पूरी इंसानियत के दुश्मन होते हैं। ये झूठ है, ये मेरे पिता के आत्मा पर लगाए हुए दुश्मनों के इल्जाम है। और उन इल्जामों को धोने के लिए तुम बेगुनाह का खून बहा रहे हो ताकि कोई सबूत ना रहे, लेकिन कानून सबूत ढूंढेगा। अरे कानून सबूत क्या ढूंढेगा, सबूत मेरे पास है एसपी साहब, सबूत मेरे पास है। आपको ये नहीं मालूम एसपी साहब कि शिवा भी मैं हूं और टोनी भी मैं। चलिए मैं आपको सबूत दिखाता हूं। रवि को ये नहीं पता कि जिस शिवा की उसे तलाश है वो उसका दोस्त टोनी ही है। डीके और जेके को मैंने इसीलिए नहीं मारा क्योंकि यही मेरे पिताजी को बेगुनाह साबित कर सकते हैं। ये रहे सारे सबूत, जैकॉल डेविल और उसके सारे साथी। आई एम सॉरी शिवा, गलतफहमी में तुम पर और तुम्हारे पिता पर जो दाग लगे उसके लिए हमारी आंखें हमेशा शर्म से झुकी रहेंगी। फिलहाल तुम गैंग में टोनी बने रहो ताकि देशद्रोहियों की इस गैंग का कोई भी मेंबर कानून के शिकंजे से बच ना सके। दिस इज कॉल्ड नेशनल कैरेक्टर, इसे कहते हैं राष्ट्रीय भावना। और हम शिवा को देशद्रोही और कातिल समझते थे। मिस्टर सिंह, तुम फौरन जाकर शिवा से कह दो इस बात को अभी राज रखे, क्योंकि उसकी मां उनके कब्जे में है। बाकी सब मैं संभालूंगा। नमक हराम कमीने बेईमान, दोस्ती के लिबास में छुपे हुए कातिल। नहीं रवि, नहीं रवि, तुझे मेरे बारे में गलत फहमी हो रही है। हाँ गलत फहमी तो हुई थी मुझे, जो मैं तेरी असलियत पहचान नहीं सका। तुझे अपना दोस्त बनाया, तुझे अपना भाई बनाया। अरे तुझसे अच्छा तो गली का कुत्ता होता है जिसे सिर्फ एक बार रोटी खिला दो तो जिंदगी भर वफादार रहता है। मगर तूने तो उसी माँ का कत्ल कर दिया जिसने तुझे ममता का अचल दिया, जिसने तेरे सर पर प्यार का हाथ रखा, जिसने तुझे सिर्फ अपनाया नहीं बल्कि तुझे बेटे का दर्जा दिया। अरे तू जैसे इंसान को तो मैं। नहीं रवि नहीं, मुझ पर इतना घटिया इल्जाम मत लगा। अरे तेरी माँ के लिए तो मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। बकवास मत कर, अपने गुनाहों को आंसुओं की चादर में ढांकने की कोशिश मत कर। आज मैं तुझे कफन की चादर उड़ा के रहूंगा। मेरी बात तो सुन दोस्त। मत बोल दोस्त मुझे, तेरे बाप ने भी दोस्त बनकर मेरे बाप की जिंदगी छीन ली थी और उस कमीने खून का रंग तूने भी दिखा दिया। रवि, बहुत सह लिया है मैंने, बहुत सुन लिया है तेरे एहसानों के बदले में। टोनी तेरी हर गाली हर इल्जाम बर्दाश्त कर सकता है, मगर शिवा, शिवा अपने बाप पर अपने खानदान पर उठने वाली हर उंगली का हाथ उखाड़ देगा। शिवा,
यह हाथ किसी बूढ़े बाप या अंधी माँ का नहीं, जवान बेटे का है। अगर धोखे में तुझे सहारा दे सकता है तो आज तेरी जान भी ले लेगा। तुम शिवा को नहीं मारोगे, इसे सजा देना काम हमारा है। कमिश्नर साहब, माँ बाप मैंने खोए हैं, आपने नहीं। उस वक्त आप कहाँ थे जिस वक्त इसने मेरे बाप को मारा, मेरी माँ को मारा? रवि, जज्बाती मत बनो, जरा सोचो। जिसके लिए कानून ने फांसी का फंदा पहले से तैयार कर रखा है, उसके लिए तुम अपने हाथ खून में क्यों रंग रहे हो? ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसे हमें बहुत कुछ जानना है। कमिश्नर साहब, इसको मेरी आंखों के सामने ले जाइए। ऑलराइट, ऑलराइट, ले जाओ इसे। चल डबल उठ, उठ। ले। फॉक्स, एक बात बताओ, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि हम लोग यहाँ जिंदा हैं? यार मेरा नाम फॉक्स है और फॉक्स की खोपड़ी में लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक दिमाग होता है। एसीपी शर्मा हमारा आदमी है, वो पैसों के बदले में पुलिस डिपार्टमेंट की सारी सीक्रेट हमें बेचता है। शिवा ने एसपी सिंह को बताया जो तुम्हें आके देख गया था, एसपी सिंह ने एसीपी शर्मा को बताया और एसीपी शर्मा ने हमें बताया। दोस्त बात बता, वो रामदास शिवा का मिलेगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिकर न कर डबल, शिवा नहीं उसकी माँ भी हमारे कब्जे में है, फाइलें मिलते ही हम उन दोनों को आराम से खत्म कर देंगे। लेकिन यार फॉक्स, वो एसपी सिंह का क्या होगा? अरे एसपी सिंह को एसीपी शर्मा ठेका डालेगा। सलाम साहब। सलाम, टैंक फुल कर दो। तुझे इन्हें मारने के लिए किसने भेजा था? बता, तुझे किसने भेजा है? बता, बोल। कमिश्नर साहब ने। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि एसीपी शर्मा की लाइफ का एक ही प्रिंसिपल है, राष्ट्रीय भावना, नेशनल कैरेक्टर। वाह वाह, क्या नेशनल कैरेक्टर है! आज मालूम पड़ा है के नेशनल करेक्टर का मतलब देश के साथ गद्दारी, फर्ज के साथ बेईमानी और इंसानियत के साथ धोखाबाजी है। अरे नेशनल करेक्टर के नमूने नेशन का ही सौदा कर दिया तूने। शर्मा, तेरा भांडा फूट चुका है। कानून की वर्दी पहनकर देश के दुश्मनों का कुत्ता बन गया है तो कुत्ता। रवि, होश में बात करो। इस वक्त तुम सिर्फ मेरे डैडी से ही नहीं बल्कि पुलिस के एक जिम्मेदार, इज्जतदार ऑफिसर से बात कर रहे हो। अगर मैं होश में नहीं होता मिस अंजू, तो मेरे माँ बाप और शिवा के बाप और उसकी बहन का कातिल तुम्हारा है देशद्रोही बाप अभी जिंदा नहीं होता। मेरे बाप पर ऐसा घटिया इल्जाम लगा रहे हो, क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये रहा सबूत। शर्मा, देशद्रोहियों से मिलकर और अपनी वर्दी बेचकर जो तुमने इतनी दौलत कमाई है, वो दौलत तो एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन जो धब्बा तुमने अपनी वर्दी पर लगाया है वो कभी नहीं धुल पाएगा। लानत है तुम पर। डैडी, क्या यह सच है? अब दौलत के लिए इतने गिर गए? किसके लिए इतनी दौलत चाहिए थी? अपने लिए, अपनी बेटी के लिए? आप जैसे इंसान के लिए मौत की सजा भी कम है।
आपको उससे भी बड़ी सजा मिलेगी जिसमें आप जिंदा रहेंगे अंजो। लेकिन पाल पाल मरेंगे और तड़पेंगे और वो सजा है आपकी बेटी की मौत। नहीं अंजो, अंजो, नहीं, नहीं, ये, ये। डैडी, डैडी। बेटी, बेटी, एक बाप के लिए से बड़ी सजा क्या हो सकती है कि उसकी औलाद उसको अपनी नजरों से गिरा दे। रवि, 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 मेरा प्रायश्चित मेरी बहुत नहीं है, शिवा और उसकी माँ की जिंदगी है, बचा लो उन्हें। कहाँ है? बचा लो। कहाँ है वो लोग? बेटे, दुनिया में एक बेटा अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ तो देख सकता है, लेकिन एक माँ अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को तड़पता हुआ देख रही है, ये मैं पहली बार देख रहा हूं। अब भी वक्त है बुढ़िया, अगर तू अपने बेटे की जान बचाना चाहती है तो उसे बोल हमारे फाइलों का पता बता दे। बताना तो उसे पड़ेगा ही, क्योंकि बुढ़िया जब तक तेरे बेटे के होंठों पर हमारी फाइलों का पता नहीं आ जाता, ये अंगारे इसके जिस्म को ऐसे ही भूनते रहेंगे। No, no, you're wrong. हमारे पास इतना टाइम और इतना पेशेंस भी नहीं है, अभी वक्त है शिवा, बता दे, वरना बुढ़ी इस राशि के जाल के टूटने से पहले अगर इसने पता नहीं बताया तो इधर राशि टूटेगी, उधर ये गिरेगा। नहीं, शिवा, नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मेरे बेटे को, शिवा, नहीं, नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। Hands up. Thank you.
For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.